हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे दोस्तों कि कैसे हम एमएस वर्ड में एक टेबल को दोस्तों हम डिजाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम जाएंगे यहां से इंसर्ट में, यहां से टेबल और यहां से करेंगे इसे ओपन। तो आपको दिखेगा यहां पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन। जैसे आप दोस्तों आप यहाँ पे अपना कर्सर ले जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका टेबल यहाँ पे दोस्तों ड्रॉ हो रही है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे लिख के आ रहा है 10x8 टेबल। इसका मतलब है दोस्तों कि आपके इसमें 10 कॉलम्स हैं और 8 रोज हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको एक बार काउंट करवा देता हूं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे रोज कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके फ्रेंड्स, अब आप दोस्तों सपोज करिए कि आपको 10x8 से ज्यादा कॉलम्स या रोज चाहिए, तो क्या करेंगे उसके लिए आप, तो सिंपली हम करेंगे इसे यहां से डिलीट, फिर से जाएंगे यहां से इंसर्ट में, यहां से टेबल। यहां पे आपको दोस्तों ऑप्शन देखेगा सेकंड वाला इंसर्ट टेबल का, तो इसे हम करेंगे यहां से सिलेक्ट। और यहां पे दोस्तों आपको जितने भी रोज जितने भी कॉलम्स चाहिए आप सिंपली यहां पे एंटर कर सकते हैं। आप सपोज करिए कि हमें यहां पे कॉलम्स चाहिए 5 और रोज भी कितने चाहिए 5, और यहां से हम कर देंगे इसे ऑटो फिट टू कंटेंट के। इसलिए दोस्तों जो भी हमारा जितना बड़ा कंटेंट होगा वो टेबल दोस्तों उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और यहां से कर देंगे ओके, और यहां से हम पकड़ के दोस्तों इसे कर देंगे इंक्रीज। ओके फ्रेंड्स, और यहां पे हम दोस्तों टाइपिंग कर लेंगे जैसे कि सीरियल नंबर, यहां से टैप प्रेस, और यहां लिख लेंगे नेम, फिर से टैप प्रेस, यहां पे लिख लेंगे फादर नेम। फिर से टैप प्रेस, यहां लिख लेंगे फोन नंबर। फिर से टैप प्रेस, यहां लिख लेंगे एड्रेस। ओके फ्रेंड्स, और जैसे ही आप यहां पे टैप प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हम यहां पे अगले रो में अपने आ चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, और यहां पे आप सिंपली अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं। यहां पे करेंगे फिर से टैप प्रेस, यहां पे अपना नेम आप एंटर कर सकते हैं। आप सपोज करिए कि आपको दोस्तों अगले कॉलम में जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे आप, शिफ्ट के साथ टैप प्रेस। तो आप देख रहे हैं कि आप अगले कॉलम में आ चुके हैं, फिर से शिफ्ट के साथ टैप प्रेस, तो ये कर्सर दोस्तों आपका बैक साइड मूव करेगा। अगर दोस्तों अपना कर्सर राइट साइड मूव करना है तो सिंपल टैप, अगर बैक साइड मूव करना है तो शिफ्ट के साथ टैप। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए अब बात करते हैं हम इसकी डिजाइनिंग की। तो फिर से करेंगे इस पूरे टेबल को सिलेक्ट और यहां से करेंगे आप इसे ओपन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे डिजाइन्स मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहां से आपको जो भी डिजाइन पसंद आए आप सिंपली यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे दोस्तों टेबल कलरफुल हो चुके हैं, और आप दोस्तों यहां से भी इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है हेडिंग रो, अगर आपको दोस्तों हेडिंग रो को कलर नहीं करना है तो यहां से आप अनटिक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां से आपकी हेडिंग रो कलरफुल से हट चुकी है। अगर आपको कलर करना है तो फिर से यहां से टिक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहां पूछा है फर्स्ट कॉलम, अगर आप यहां से हटा देंगे तो आप देखेंगे यहां से आपका फर्स्ट कॉलम कलर हट चुका है। इसका प्रीव्यू दोस्तों आप इसमें आप इजीली देख सकते हैं। यहां से मैं करूंगा सिलेक्ट अगर फर्स्ट कॉलम, तो आप देखेंगे यहां पे कि आपका फर्स्ट कॉलम कलर हो चुका है। यहां से लास्ट कॉलम करूंगा तो आप देखेंगे कि यहां पे लास्ट कॉलम भी हमारा कलर हो चुका है। और यहां से टोटल रोज, तो यहाँ पे जितने भी हमारी रोज हैं वो सब कलरफुल हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, पर हम यहाँ से दोस्तों टोटल रोज हटा देंगे और लास्ट कॉलम भी बस हम दोस्तों इतने रहने देंगे, हेडिंग रो और फर्स्ट कॉलम। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से दोस्तों आपको जो भी पसंद आए आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक और ऑप्शन दिखेगा शेडिंग का, तो आप दोस्तों यहाँ पे जो भी आपको कलर की शेडिंग देनी है आप सिंपली इस टेबल को शेडिंग दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और यहां से आता है इनका बॉर्डर स्टाइल, तो आपको दोस्तों अगर इनकी टेबल की बॉर्डर इंक्रीज करनी है तो आप सिंपली यहां से बॉर्डर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं यहां से अगर सिलेक्ट कर लू एग्जांपल के लिए, अब यहां पे करेंगे इसे ड्रॉ। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि हमारी यहां पे टेबल के जो लाइंस हैं वो डबल हो चुके हैं।
ओके फ्रेंड्स, अगर आप दोस्तों यहाँ से इसे रिमूव करना है तो सिंपली यहाँ से आप इसे टिक कर देंगे और ये पेन दोस्तों आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर का, तो यहाँ से भी आप दोस्तों अपने टेबल्स में बॉर्डर्स लगा सकते हैं। यहाँ से अगर ऑल बॉर्डर करेंगे तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर आपका लग जाएगा, और यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर तो यहाँ पे आपको दोस्तों टेबल में आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आप दोस्तों सपोज करिए कि आपको यहाँ पे फादर नेम और फोन नंबर के बीच में एक और कॉलम ऐड करना हो, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपली हम यहाँ से जाएंगे लेआउट में और यहाँ से आप अपना दोस्तों एक कॉलम कर लेंगे सिलेक्ट। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा इंसर्ट बिलो, इंसर्ट अबव, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। अगर आपको दोस्तों एक कॉलम राइट में चाहिए तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, अगर लेफ्ट में चाहिए तो दोस्तों इसे सिलेक्ट करेंगे। तो हमें किस में चाहिए, लेफ्ट में, तो यहां से कर देंगे इसे क्लिक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉलम दोस्तों हमारा लेफ्ट में आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, और आप दोस्तों सिंपली इस टेबल को पकड़ के यहां से थोड़ा सा ऊपर साइड एडजस्ट कर सकते हैं, और यहां से आप दोस्तों अपने टेबल का साइज को भी डिक्रीज कर सकते हैं ताकि आपका टेबल दोस्तों पूरा एक पेज पे इजिली आ जाए। सिंपली यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे ऐड करना हो आप सिंपली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं मदर नेम। ओके फ्रेंड्स, अगर सपोज कहिए कि अब आपको रो ऐड करनी हो तो क्या करेंगे, तो सिंपली हम जाएंगे यहाँ से रो पे और यहाँ पे आपको दोस्तों ऑप्शन दिया जाएगा प्लस का, तो सिंपली आप इस पे कर देंगे क्लिक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका एक रो ऐड हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो अब दोस्तों आप इस तरह से अपने रोज और कॉलम को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा मर्ज का, तो इसका क्या काम होता है, अब सपोज करिए कि आपको फादर नेम और मदर नेम वाला कॉलम एक ही में चाहिए, तो क्या करेंगे हम इन दोनों सेल को दोस्तों कर लेंगे सिलेक्ट और यहां से कर देंगे मर्ज सेल। तो आप देखेंगे कि ये दोनों हमारे मर्ज हो चुके हैं। अब दोस्तों अब इन दोनों को अलग करना है, तो क्या करेंगे यहाँ से स्प्लिट सेल और यहाँ से क्लिक ओके। तो अब देखेंगे ये हमारा दोनों स्प्लिट हो चुके हैं। इस तरह से दोस्तों आप अपनी सेल को मर्ज और स्प्लिट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हैव अ नाइस डे।